आज कपू और कपू की दादी की डिमांड पर कुछ बनाएंगे, जिसके लिए मैंने घर के सारे कपड़े चुन चुन के इकट्ठा कर दिए, फिर इनका सारों का फाड़िया तोड़िया कर दिया और अब खोली के लिए हमने ये लेन देन वाली ड्रेस लेके इसके कपड़े की सिलाई करके खोली बना ली है। और अब तो आपको पता चली गया होगा कि हम गुदड़ी बना रहे हैं कपू और कपू की दादी के लिए, तो दादी भी मेहनत कर रही है लेकिन कपू सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बड़े बड़े कपड़े बिछा रहा है। अभी देखो भाई गर्मी आ गई तो मेरे भतीजे और मेरी मम्मी के नखरे शुरू हो गए हैं, बेड पे उनको सोना नहीं है, रजाई उनको गर्म लगती है, तो मैं ये ठंडी ठंडी सी गुदड़ी बना रही हूँ और फिर ये चारपाई पे बिछा के एकदम आराम से सोएंगे, तो हमने इसको पलट लिया है। वैसे हम गुदड़ी को राली बोलते हैं, तो आधी राली बनाने के बाद मेरा तो ड्यूटी का टाइम हो गया, तो मैं तो निकल गई। पीछे दो लोग लगे हुए थे, एक तो बच्चों की नानी और दूसरा कप्पू, जो कप्पू बड़ी शिद्दत से लगा हुआ था, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने ऐसे बैठकर ऐसे सोकर राली बनाई होगी। अब शाम को वापस आके मैंने अपनी इस साड़ी की बल्ली चढ़ाई और इसकी सिलाई करके ऊपर की खोली बना लिया, ताकि मैली वैली होना, तो फटाफट 2 मिनट में धोके सुखा दें। और अब मैंने बिछा दी, जब तक मैंने बिछाई तब तक कप्पू आके सो भी गया था और इसकी दादी भी जैसे तैयार ही थी वो भी आके सो गई। अब मैं कहां सोऊं, थोड़ा मुझे भी ट्राई करना था, तो मैंने यहां पर कोशिश की एक तरफ के कप्पू थोड़ा सा मेरे को सुलाओ, और जैसे मैं सोई मुझे गिरा दिया। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, दोबारा मैं थोड़ी सी गिर गई थी, लेकिन दोबारा मैं जानबूझ के गिरी थी। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। बाय बाय।